आपके अंदर अवचेतन मन एक ऐसा खजाना है, अगर आप उसका यूज करना सीख गए तो दुनिया में आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति साइंटिफिकली भी सिद्ध हो चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण है क्वांटम फिजिक्स। अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दो तो वो आपको मिलकर ही रहती है। अब आप ये कहोगे कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप ये भी सोचोगे कि हम तो कई साल से अमीर बनना चाहते हैं, अगर हमारे अवचेतन मन में इतनी ही शक्ति है तो सोचने के बावजूद भी वो चीज़ हमें आज तक क्यों नहीं मिली। दोस्तों, इसका जवाब एक ही है कि आपकी वो इच्छा जिसे आप पाना चाहते हो उसकी आवाज़ आपके अवचेतन मन तक पहुंची ही नहीं। अवचेतन मन तक अगर कोई भी आवाज़ पहुंचती है तो वो हर हाल में पूरी होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं है। आपने देखा होगा कि सेम क्लास में सब बच्चों के टीचर एक जैसे, सबका कोर्स सेम, सब बच्चों की सुविधा भी एक जैसी है, लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही टॉप करता है। इसका कारण आप जानते हैं, दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है लेकिन कामयाब होते हैं मात्र 20% ही। इसका कारण ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। सभी कामयाब लोग अपनी इच्छा शक्ति को चेतन मन द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, फिर वो वही पाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने विश्वास के बल पर अपनी तुरंत बात अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं और उन्हें परिणाम भी तुरंत ही मिल जाता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में जॉन का उदाहरण देकर बताया था कि कैसे उसने अपने पिता के अवचेतन को जगाया और वो ठीक हो गए। जॉन अवचेतन मन के बारे में जानता था। उसने एक लकड़ी और कागज पर अपने आप एक मंत्र लिखा और उसे अपने बीमार पिता को दे दिया और कहा कि ये दोनों चीज़ें एक महान पादरी ने उसे दी हैं जो आपके लिए हैं। जॉन के पिता धार्मिक थे और उन्हें यकीन हो गया और विश्वास के साथ उस मामूली सी लकड़ी को पादरी द्वारा दिया गया क्रॉस समझा और मंत्र भी विश्वास के साथ पढ़ते गए। सालों से बीमार जॉन के पिता एक महीने के अंदर स्वस्थ हो गए बिना किसी डॉक्टर के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जॉन के पिता ने विश्वास कर लिया था कि अब तो ठीक हो ही जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़े पादरी ने उसको ये मंत्र क्रॉस दिया है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और ना ही सबके साथ ऐसा होता है। अब हम कैसे पहुंचाएं अपनी बात अवचेतन मन तक? इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अवचेतन मन और हमारे बीच में चेतन मन यानी हमारा दिमाग होता है। हमारी इच्छा और अवचेतन मन के बीच में हमारे दिमाग की दीवार होती है। इस दीवार को हमारा दिमाग ही तोड़ने का काम करता है। मतलब सबसे पहले आपको अपने दिमाग को यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना ही है, तब दिमाग आपके उस मैसेज को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाएगा। अपनी इच्छा का दिमाग को कैसे विश्वास दिलाएं? इसके लिए आप अपने अंदर उस कामयाबी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए जिसे आप पाना चाहते हैं। कामयाब लोगों के बारे में पढ़िए, उन्हें समझिए कि कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंचे। हमेशा उस बात को दिमाग में रखिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें दूर करने की चेष्टा करते हुए जब तक वो आपसे दूर ना हो जाए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे अच्छे से प्लान कीजिए। अपने प्लान को शुरू करने से पहले खूब मशवरा कीजिए, लेकिन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर किसी की बात मत सुनिए। अपने टारगेट पर फोकस रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स को खुश रखिए और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने काम में विश्वास और मेहनत बना के रखिए। जैसे ही आपकी इच्छा शक्ति का विश्वास आपके चेतन मन में बैठता है, हमारा दिमाग यानी चेतन मन उस इच्छा शक्ति का संदेश हमारे अवचेतन मन तक पहुँचा देता है और तब आप वो पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।